हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल देखने के बाद इस वीडियो को क्लिक किया होगा कि सर तुक्का कैसे मारे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले तुक्का मारे या नहीं मारे, मारे तो तुक्का कैसे मारे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कभी कभी हमारा सिलेक्शन तुक्का मारने से ही होता है, मेहनत हमारी काम नहीं आती, कभी कभी हमारा तुक्के से सिलेक्शन हो जाता है और कभी कभी हमारा तुक्के से क्या सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। तुक्का हमारे लिए फायदेमंद भी और नुकसानदायक है। तो फायदेमंद कब है और नुकसानदायक कब है, सारी बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से हम और इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो बने रहना हमारे साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम मतलब इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। कोई भी जानकारी हो, कोई भी निकल के आती है आधार कार्ड से लेके, अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो 2 घंटे पहले हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी थी। हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन बाकायदा मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी दिक्कत आपको एनालिसिस के बारे में सब कुछ बताएंगे, सब कुछ तरीका आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपका 24 तारीख को पेपर है, 23 तारीख को नहीं है, 24 तारीख को पेपर है तो आप क्या करें, कैसे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आपको फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन किसको फायदा होगा, सभी बातें आज हम लोग बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे हमें करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि तुक्का कैसे मारे, ठीक है? तो चलिए देखिए, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 150 कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 150 क्वेश्चन, ठीक है? अब आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए किसी को नहीं पता है। किसी को पता है क्या कितने मार्क्स चाहिए? नहीं, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है इसमें कि इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो लेकिन आपको अपने दिमाग में लेके या फिर कटाव को लेके सारी वीडियो देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको लग रहा होगा कि इतने प्रश्न करने ही करने हैं। तो क्या लग रहा है आपको कितने प्रश्न करने हैं? तो मिनिमम आपको कितने 100% करने हैं आपके दिमाग में चल रहा होगा, कितना 100%, ठीक है? कितने क्वेश्चन 100% सही करने हैं, कितने सही, अब ये 100% सही कैसे कर पाओगे, ठीक है? 150 क्वेश्चन है, ठीक है? 150 क्वेश्चन है तो कुल मिला के लगभग 75% आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। कितने 75%, ठीक है? चलो अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपने सिर्फ टोटल 100 क्वेश्चन किए, क्या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सिर्फ, क्या अटेम्प्ट मतलब किए, अब आपको ये नहीं मालूम मेरे कितने गलत है कितने सही, ठीक है? 100 अटेम्प्ट किए, ठीक, आपको अपनी तरफ से लग रहा होगा कि मेरे सर 100 तो सही है, 100 किए, तो जो जिसने 100 किए 100 तो सही नहीं हो सकते, इतना एक्सपीरियंस मेरा है। मुझे लगता था कि मैं सच बता रहा हूं, मैं जब क्वेश्चन करता था ना मुझे लगता 100% सही है, लेकिन क्या है ना कहीं ना कहीं गलती, जब घर पे आके देखो और इसमें ये पूछा गया था ये कैसे गलत हो गया, जानबूझ के गलत हो जाता है दोस्त, सबका होता है, ठीक है? तो आप अगर 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। तो 100 में कम से कम कितने भी गलत आएंगे किसी ना किसी के 10 तो गलत होंगे, ठीक है? 10 गलत होंगे, 10 का मतलब 10 गलत होंगे, 10 का 1/4 निकालो तो कितना हो गया, 2.5, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2.5 घटा दो इसमें तो कितने हो गए, 97.5 क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन गलत सिर्फ 10 हो तो, इससे ज्यादा हो गए तो, मान लो 10 ही गलत थी, मान लो आपने 20 गलत कर दिए तो 20 में से आपके कितने, देखो 97 कहां बचे, 97 कहां बचे भाई, 90 बचे, 10 गलत गए तो 90 बचे, और 90 में से 2.5 घटा दो तो 87 बचे, तो सिलेक्शन नहीं होगा भैया, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है? 87 क्वेश्चन थे, ठीक। अब देखो आपने क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किए कितने 100, 100 में से आपके 20 गलत तो बचे कितने 80, और 20 जो गलत है वो भी ले जाएंगे आपके नंबर 1/4, ये भी ले गए लो 1/4, 5, तो 5 और माइनस कर दो, अब बचे आपके पास 75। क्वेश्चन तो आपने 100 किए थे लेकिन बचे आपके पास क्या 75, 75 में क्या सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा 75, ठीक। अब देखो आपको करना क्या है, तुक्का कैसे मारे, देखो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको मालूम है हिंदी में सियोर हो आप, मैथ में सियोर हो, रीजनिंग में सियोर हो, ठीक है, जीएस में सियोर नहीं हो, हिंदी में भी कोई ज्यादा सियोर नहीं रहता, ठीक। आपको लगता है कि मेरे 80 क्वेश्चन तो ठीक है, आपने 80 तो 100% सही कर लिए, क्या 100% सही कर लिए, अब आपको क्या करना है, 80 के बाद अब आपके पास क्वेश्चन बच रहे हैं कितने, 80 कर दिए बचे 70, अब ये 70 जो क्वेश्चन बचे 80 में सिलेक्शन नहीं होना है, आपको भी पता, हमें भी पता, आपको भी पता कि 80 में सिलेक्शन नहीं होना है, अब आपको क्या करना है, 80 क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको लगा सही मैंने की, बच रहे हैं 70, आप सोच रहे हो कर दें कि छोड़ दें, आते तो नहीं है, ठीक है? तो क्या करना है आपको, इन 70 प्रश्न, अगर इन 70 में से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कम से कम तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप ए ऑप्शन काट सकते हो, डी ऑप्शन काट सकते हो, या फिर कोई भी ऑप्शन, दो ऑप्शन काट सकते हो सकता है ए काट दो सी काट दो, आपको लग रहा है इसमें से कोई ना कोई सही है, लग रहा है आपको कोई ना कोई सही है, तो क्या करना है, आप तुक्का मार के आना, 100% तुक्का मारना, 100% तुक्का मारना, क्या तुक्का मारना,
अगर आपको लगता है इन दोनों में दो ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है, मान लो आपको दे दिया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, और एक और कोई ले लो, इलाहाबाद, कानपुर और क्या नाम, कुछ भी ले लो, कहीं भी लखीमपुर ले लो बस, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि लखनऊ हो सकती है, इलाहाबाद हो सकती है, कानपुर आपने ऑप्शन में काट दिया, लखीमपुर काट दिया, अब आपको डाउट है कि इलाहाबाद है या लखनऊ है, बड़ा डाउट में आप, इलाहाबाद है कि लखनऊ है, तो आपका दिमाग चला कि अरे लगा दो लखनऊ, लगा दिया, सही चला गया, ठीक, कहीं दिमाग चला इलाहाबाद तो गलत हो गया, ठीक, लेकिन दिमाग अगर चल गया तो दो ही ऑप्शन में खेल रहे हो ना, हो सकता है धोखे से लग जाए लखनऊ, ठीक, तो सही हो जाएगा ना, ये तरीका। तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप लोगों को एक दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, 100% कट जाते हैं, दो में डाउट होता है तो डाउट होता है, लगा के आओ 100% तुक्का लगा के आओ, ठीक है, चलो, तो आपने 10 में से लगाया तो 10 में से 5 तो आपके ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है, ठीक हो जाएगी। अब देखो तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, आपके क्वेश्चन देखो, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आप कुछ नहीं जानते, ठीक, आपने 80 सही कर दिए, बचे आपके 70, अब 70 में आप सोच रहे 80 में सिलेक्शन होना नहीं है, अब आप कह रहे हो कि भाई 70 में मुझे तुक्का मारना है, तुक्का मारना है, तो आपने लिया किसका, भोले बाबा का नाम या फिर बजरंग बली का नाम, जिसे भी आप मानते हैं उनका लिया नाम, फिर सोचे कि मार दो तुक्का, होगा सब देखा जाएगा, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, हो सकता है तुक्का मारने से हो जाए, अब वाकई हो जाता है भाई कहीं किसी किसी सबका, ऐसा नहीं है सबका हो जाता है, लेकिन हो जाता है। देखो आपने सोचा कि इसमें तुक्का मार लेते हैं, तुक्का आपने मार दिया, आपने 70 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही रही तो आपके 40 क्वेश्चन सही चले जाएंगे, 30 गलत, और नहीं रही तो हो सकता है 20 ही सही हो और 50 गलत हो जाए, ठीक है, अगर मेहरबानी नहीं तो कुछ तो सही जाएगा यार तुक्का मारने में, ऐसा नहीं कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपने 80 क्वेश्चन तो कर दिए, 80 क्वेश्चन कर दिए बच्चे, 70 में आपने तुक्का मारा, आपके मान लो 40 क्वेश्चन सही हो गए, 40 सही हो गए और 30 गलत हो गए, 30 गलत हो गए, किसमें 70 की बात कर रहे हैं, 80 तो आपने क्वेश्चन सही कर ही दिया, आपको विश्वास है बच्चे, 70 में आपके 40 सही 30 गलत, अब आपके 40 ये सही हो गए, ठीक है, अगर इसमें 40 करोगे 120 हो जाए, 80 में आपको मालूम था कि सिलेक्शन नहीं होगा, आपने ये वाले जो 40 क्वेश्चन किए, ठीक है, 30 गलत किए, 30 जो गलत किए, 30 जो गलत किए, समझ लो 30 गलत किए तो उसमें से 1/4 निकाल दो, 1/4 कितना होगा, तो कितना 4 7 28 4 5 20 7.5 क्वेश्चन, तो माइनस में 7.5 कर दो, 7.5, तो बच्चे कितने, जल्दी से बताओ कितने बचे इसमें से, तो कितने बचे हैं, 32.5, ठीक है, 32.5, अब लो भाई साहब 80 तो ये आपने किए थे, यहाँ पे तुक्का मारा, यहाँ पे भी आपके 32 क्वेश्चन बन गए, 32.5, तो कितने हो गए आपके, 2 8 3 11 112.5, अरे भाई अब तो 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन, क्या भाई 112 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, होगा भाई 100% सिलेक्शन होगा, सच बताना होगा कि नहीं, आप खुद मान लो, आपने 80 तो सही कर दिया, आपको विश्वास है मैंने 80 सही की, बचे 70 में, अब आप सोच रहे होगे यार 80 में सिलेक्शन नहीं होगा, अब मुझे क्या करना होगा, आपने 70 में ही तुक्का मार दिया, पूरे 150 करके आए, 70 में आपके अगर किस्मत साथ दी तो आपके 40 सही 30 गलत चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, जब जो 30 गलत गए 70 में से 30 का 1/4 निकालो, 1/4 माइनस मार्किंग होती है, तो 7 क्वेश्चन इसमें माइनस कर दो, 7.5 क्वेश्चन 40 जो सही है उसमें से और चले जाएंगे, तब भी आपके पास 32 क्वेश्चन बचते हैं, 32 क्वेश्चन अगर 80 में ऐड करोगे तो आपके बन गए 112 क्वेश्चन, 100% आपका सिलेक्शन, सच बता रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, मान लो किस्मत ने नहीं साथ दिया, 70 में से मान लो किस्मत ने नहीं साथ दिया, किस्मत ने नहीं साथ दिया भैया 30 ही सही है, इधर 40 गलत चलेगी, 40 का 1/4 काट दो, ठीक है, तो कितना 10 क्वेश्चन, तो सही में से 10 क्वेश्चन घटा दो माइनस 10, तब भी आपके पास 20 क्वेश्चन, तब भी आपके पास 20 क्वेश्चन, तब भी 80 में 20 जोड़ दो, 80 में 20 जोड़ दो, 100 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो कैसा लगा तरीका, पहले तो हमने आपको बताया था एबी में अगर डाउट हो तो उसको लगाना ही लगाना है, लेकिन बाद में जब आपके कम क्वेश्चन बन रहे हो तो आपको लग रहा है कि हमें तुक्का मारना हमारे लिए जरूरी है, तो भैया बिल्कुल मारो, 1/4 माइनस मार्किंग है, बिल्कुल मत डरो, ठीक है, बहुत जरूरी है मारना यार तुक्का, कौन नहीं मारता, नहीं मारता है उससे भी लग जाता है, ठीक है, अब वो जानबूझ के गलत हो जाता है, तुक्का मारा भी नहीं, हमें लगता हमने सही किया फिर भी गलत, देखो गलत तो जाना ही जाना है, चाहे तुक्का मारो चाहे बिल्कुल सियोर होके मारो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, हो जाता है ना, सच बता रहा हूं, हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को बताई या बनाई, आपको खुद क्या लगता है, अच्छा मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, तो आप लोगों के कमेंट एक बार जरूर बताइए, आप लोगों को क्या लगता है तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, कमेंट में बताइए,
तुक्का मैंने भी मारा ऐसे, बिना तुक्का मारे भाई साहब नैया पार नहीं होती। मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही है, मार दो मार दो मार दो, होगा देखा जाएगा। तो देखा जाएगा, ऊपर वाले की दुआ, किस्मत साथ दी तो हो जाएगा, अगर किस्मत ही खराब होगी तो 70 जो भी है 70 में 70 गलत। इतनी बुरी भी किस्मत किसी की नहीं है, 70 में 70 गलत चले जाएंगे, ठीक है। कितने भी कम अगर 70 में से कितने भी कम जाएंगे तो आपके मान लो 20 क्वेश्चन, 100% की बात है, 70 में जो 70 करेगा उसके 20 क्वेश्चन ठीक चले जाएंगे। 20 बचे कितने गलत, 50। तो 50 का 1/4 निकालो कितने हो गए, 4 × 1 = 4, ठीक है, हंसी लगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 12.5 क्वेश्चन इसमें तो घटा, तो बचे कितने 7.5, तब भी आपको 7.5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। 7.5 जब इंक्रीज हो जाएंगे तो तब भी आपके कितने हो जाएंगे 87, 87.5, ठीक है, कुछ हद तक आस पास पहुंचे। जब बिल्कुल किस्मत साथ नहीं देगी तभी आपके 20 सही होंगे और 50 गलत होंगे, ठीक है, बिल्कुल किस्मत साथ नहीं देगी। 50-50% ज्यादातर लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, ताकि आप लोग देखो ज्यादा तुक्का भी मत मारना। जब आपको लगे आपके 100 क्वेश्चन 120 आप कर ले रहे हैं सही, ठीक है, 120 आप लोगों को लग रहा है कि सही, इसमें भी गलत होंगे, 5-10 क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, ठीक है। अगर आप लोग रहा है 120 सही है तो तुक्का बिल्कुल मत मारना, सीधे साधे चले आना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा तुक्का मारने से भी क्या होता है, हमारा नॉर्मलाइजेशन का खेल हमारा खत्म हो जाता है ना। तो ये जानकारी मैंने इसलिए दी कि तुक्का मारने का तरीका आप लोगों को जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, तो दोनों चीजें। तो 1/4 माइनस मार्किंग है यार, तुक्का तो मारना भी पड़ेगा, इतना कोई सियोर नहीं होता जिसका सभी सही चले जाए। तो 150 क्वेश्चन जिसको कुछ नहीं मालूम, जिसके 60-70 सही हो रहे हैं, तो पूरे 150 में से 150 करके आना, होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। जिसको कुछ नहीं मालूम है वो 150 के 150 क्वेश्चन करके आना, होगा सो देखा जाएगा, समझ रहे हो ना। किस्मत ने साथ दी तो हो सकता है कम से कम 150 जो करके आए, जिसको कुछ नहीं मालूम 150 में से 50-60 उसके भी सही चले जाएंगे, उसके अपने ऊपर अनुभव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी माइनस मार्किंग भी नहीं है कि जीरो हो जाओ, 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन दो नंबर का, अगर आपने एक गलत किया तो 0.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, क्या काट लिया जाएगा, ठीक है, काट लिया जाएगा, ठीक। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को इसलिए दी थी, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो उससे पहले आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे कल कितने बजे, 12 बजे जुड़ना ना भूले, कौन से चैनल पे, @ बहुत इंपॉर्टेंट, @ सानवी ऑफिशियल 01। तो कल 12 बजे, अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके दिखाया जाएगा, जिसका 25 तारीख को आया है, ठीक है, 25 तारीख, ठीक है। तो कल आप लोगों का यहाँ एनालिसिस लाइव कराया जाएगा, तो तैयार रहना भाई साहब, जिसका भी 25 तारीख को पेपर है या 24 तारीख को पेपर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो वीडियो रहेगी, ठीक है। तो जानकारी कैसे लगी, क्या लगता है आपको, तुक्का मारना आवश्यक है कि नहीं, अगर आपको अपने अनुसार जो ठीक लगे वो करना, किसी के बहकावे मत आना, ठीक है, और किसी का कहना नहीं मानना। आपको लगता है कि हाँ मारना जरूरी है तो ठीक है, नहीं मानना जरूरी है तो मत। किस्मत का खेल है, देखो अब जब 80 हो रहे तो आपको पता है 100% सिलेक्शन नहीं होना है, तो तुक्का मारना ही हमारा उचित रहेगा, ठीक है। अगर आपके 120 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको लगता है सही है, तो आराम से करके 120 चले आना घर पे, ठीक है, जरूरी नहीं है तुक्का मारना, ठीक। तो चलता हूं दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।